जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर कराए जा रहे हैं, ठीक है, वो सीएनसी रिलेटेड है, ठीक है। अभी तक सीएनसी से जितने भी पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, सबका जो है स्टेप बाय स्टेप वीडियो बन रही है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जितने भी टेक्निकल रिलेटेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, मैकेनिकल से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, फिटर से हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये रामबाण की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट ये सब हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, कि आने वाले समय में जब आप एक फ्रेशर हो ना या फिर एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग यदि सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, सीएनसी सेटर हो, सीएनसी ऑपरेटर हो, सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना है तो इस चैनल पे सिखाया जाता है, जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट को खोलिएगा, सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा टूल्स से रिलेटेड, सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ओके। तो देन हम आज जो बात करने वाले हैं, आप लोग सीएनसी मशीन सारे कैंडिडेट ने देखा होगा, यह सीएनसी मशीन है, ठीक है। लेकिन सीएनसी मशीन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग जो है मेरी एक चैनल पे मैंने अपलोड किया है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, थर्ड, इस तरह से अलग अलग पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सीएनसी प्रोग्रामिंग के नाम से है, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से मैंने क्लियर किया है, ठीक है। और आज का जो पार्ट है ना, वो पार्ट फ्रेंड्स है कि सीएनसी जो मशीन होती है, उसका जो कैरिज होता है, वो किस से कैसे स्लाइड करता है, ठीक है, कैसे स्लाइड करता है, और उसका क्या मोमेंटम होता है, ठीक है। उसमें लगा जो सीएनसी मशीन में जो बाल स्क्रूप का क्या रोल होता है, तो आज हम बाल स्क्रूप के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो आप लोग जनरली जो देखते होंगे सीएनसी मशीन, जैसे कॉलेजों में या फिर जनरली आप लोग मार्केट में मिल जाती है सीएनसी लेथ मशीन, जिसको खराद मशीन बोलते हैं, मैनुअली जिसको बोलते हैं, उसमें जो है फ्रेंड्स एक्मी ठीक है, तो उसमें जो लगी होती है उसमें एक्मी थ्रेड कटी होती है, ठीक है, इस बाल नहीं, और यहाँ पे बॉल और एक्मी थ्रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बॉल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है आप लोग सामने दिख रहा होगा, ठीक है, इसी पे मोमेंटम होता है, ठीक है, इसी से जो है वो रोटेशन करती है सीएनसी मशीन, ठीक है। वो बेड होता है, बेड के नीचे कैरिज में जो लगा होता है ना, वहाँ पे लगाया जाता है। और जो मैनुअल लेथ मशीन होती है, जिसे हम जब क्या करते हैं कि मशीन को ऑटोमेटिक करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ हाफ नट लगा होता है, उससे उसमें अटैच कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक चलने लगता है, ठीक है। और वहाँ पे जो थ्रेड कटी होती है, वो थ्रेड होती है एक्मी थ्रेड, जो 29 डिग्री पे होती है। बट फ्रेंड्स सीएनसी, जब सीएनसी मशीन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो लैथ मशीन होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट में आप पार्ट को नहीं बना सकते, एमएम में पार्ट को बना सकते हो, पर लेकिन जैसे कि सीएनसी मशीन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मशीन होती है, यहाँ पे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही माइक्रोन में जो है काम करने के लिए बाल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, माइक्रोन में। तो आप लोगों को पता है कि 1000 1 mm में 1000 माइक्रोन्स होते हैं, ठीक है। तो बाल स्क्रू का प्रयोग हम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कंपोनेंट को क्लियर करने के लिए, कंपोनेंट को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो बाल स्क्रू से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे बॉर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, बॉर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही फ्रिक्वेंसी के साथ ये मूवमेंट करता है, ठीक है। बहुत ही जो है स्लाइडिंग बहुत ही अच्छी होती है इसकी, और इसमें आवाज़ बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका यही रोल होता है फ्रेंड्स, कि ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही फिनिश, बहुत ही गुड में जो है माइक्रोन में काम करता है, ठीक है। बट जो स्क्रू वहाँ पे जो लगा होता है मैनुअली में, वहाँ पे लीड स्क्रू जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बॉल, और देखिए बॉल की तरह कटा भी है फ्रेंड्स, आप लोगों को देखना चाहिए, देखिए यहाँ पे बॉल की तरह कटा भी है, तो इसमें जो है बहुत ही एक्यूरेसी मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहे बॉल स्क्रू का काम, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिए लगा होता है, यहाँ से यहाँ तक लगा जाता है, जिससे ये मोमेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।